Hello students, I'm Dr. Monica from Rawal International School. Today we are going to discuss on the topic ABC of organic reactions. कोई भी chemical reactions होती हैं उसमें सिर्फ reactant किस में convert होता है products के अंदर. मगर जब आप organic reactions पढ़ेंगे वहाँ पर आपके पास दो तरह के reactants होंगे, एक होगा substrate और एक होगा आपका reagent. ये substrate और reagent दोनों combine करके क्या देगा प्रोडक्ट. अब ये जो सबस्ट्रेट है और ये जो रिएजेंट है ये आपका दोनों पाथ से प्रोडक्ट दे सकता है, पाथ वन पाथ टू, कोई भी स्कीम फॉलो कर सकता है प्रोडक्ट देने के लिए. नाउ व्हाट इज दिस पाथ ए एंड पाथ बी? पाथ ए एंड पाथ बी आर नथिंग बट रिएक्शन मैकेनिज्म्स. नाउ व्हाट इज दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पता होना चाहिए हम लोगों को. तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिएक्टेंट से ट्रांसफर होके कुछ इंटरमीडिएट बना रहे हैं और इंटरमीडिएट से वो फाइनली क्या दे रहे हैं आपको, प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म. तो इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स रिएक्शन मैकेनिज्म इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इफ आई टेक द एग्जाम्पल, हमने एक लिया आर ग्रुप और उसको बॉन्ड कराया हमने एक ग्रुप के साथ, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लीविंग ग्रुप. इन स्टेप वन R इज द एल्काइल ग्रुप. ये R क्या है आपका, दिस इज द एल्काइल ग्रुप. अब ये जो लीविंग ग्रुप है ये क्या करेगा, R इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो जब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, L जो है आपका लीव होगा, मगर वो क्या लेके लीव हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेके लीव हो रहा है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप. और क्या फॉर्मेशन हो रही है आर के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज. This is called as the carbocation. Now in the step 2, this carbocation will react with the reagent. Will react with the reagent. And this reagent will give rise to finally a substitution product which is called as Rx. अब यहाँ पर एक दो चीजें हमें समझनी होंगी. What is the substrate and what is the reagent? Both are the reactants, no doubt. But substrate, it is the reactant which supplies carbon to the new bond. Substrate क्या है, ऐसा reactant है जो कि क्या supply कर रहा है, which is supplying carbon to the new bond formation. इसी में आप देख रहे हैं. Again I'm repeating, reactant वो होता है या substrate वो उस type का reactant है जो कि supply करता है carbon to the new bond. यहां से ये हमने reactant लिया, यहां से R किस फॉर्म में गया, R प्लस की फॉर्म में. यहां पर रिएजन में से आपका X माइनस आया, इस X माइनस को हम लोग स्पीशीज रिएजन बोल देते हैं, स्पीशीज बोल देते हैं, रिएक्टिव स्पीशीज बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल. तो इसको एक नया कार्बन मिल गया और ये रिएजेंट इस पे जाके अटैक कर गया, ही इट इज प्रोवाइडिंग अ कार्बन. तो जो सप्लाई करता है कार्बन की, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट. नाउ व्हाट इज दिस रिएजेंट, reagent it is of two type, one is the electrophile and one is the nucleophile. Now what is the nucleophile and electrophile? In a very simple language we will discuss, electrophiles are E plus, nucleophiles are nucleus ke upar lone pairs or minus charge. Electrophiles are electron loving. As the word speaks, electro means electron and phile means a love for electrons. Nucleo means nucleus and this is the love for the nucleus. Means nucleophile ke paas already kya hai aapke, electrons hai, isko electron ki zarurat nahi hai. This is electron loving because it is electron deficient. Aur nucleophile kya hai, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है. ये सारे कार्बोकेटाइन्स ऑल इंक्लूड द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ऑल कार्बोनाइन्स दे ऑल इंक्लूड न्यूक्लियोफाइल्स. नेक्स्ट डिफरेंस, दीज आर लुइस एसिड्स एंड दीज आर लुइस बेसिस. दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन as well as addition reactions.
सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एडिशन रिएक्शंस. दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस. नाउ इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल स्पीशीज. These are negatively charged or neutral. All the halide ions, they are nucleophiles. In the neutral, we can take the example of ROH, जिसके पास extra lone pair है, extra electrons है, that is a nucleophile because it is electron rich. और यहां पर जो भी positive charge आ गया, H plus आ गया, Cl plus आ गया, आपका BF3 हो गया, आपका SO2 हो गया, ये बॉन्ड बनाने के बाद भी इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स. सो दिस इज द बेसिक रिएजेंट्स जो हमें स्टार्टिंग में एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वी कैन से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें स्टार्टिंग में बताना चाहिए व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. So, electrophiles, I am once again repeating, are electron loving, these are electron rich, these are electron deficient, these are Lewis acids, these are Lewis bases. They can easily donate electrons. They undergo electrophilic substitution addition reactions, they undergo nucleophilic substitution addition reactions. They are negatively charged, they are neutral. All the halide ions are negatively charged nucleophiles. Of neutral, I'm taking one example of alcohol. In electrophiles, H plus इसको हम hydronium ion कहते हैं, Cl plus इसको हम कहते हैं chloronium ion. जब भी positive charge आ जाता है तो वहां पर IUM लग जाता है. जब भी positive charge आता है तो वहां पर last में क्या लग जाता है, IUM, chloronium, hydronium. BF3 ये bond बनाने के बाद भी इसका octet complete नहीं होता. अगर हम इसका बॉन्ड बनाए यहां पे BF F F, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कमी है इसके पास, उसको ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लुइस एसिड. दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द जनरल जीओसी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर basic concepts of general organic chemistry. Thank you so much.